इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्पेन टी10 के दोस्तों आज के मैच नंबर 1 और दोस्तों स्पेन टी10 के आज के मैच नंबर 2 के बारे में। आज का दोस्तों जो मैच 1 है आपका खेला जाएगा आरबी और एसओएस टीम के बीच में, और सेम टीम का दोस्तों ध्यान रखना मैच नंबर 2 में भी खेला जाएगा, बस टाइम का फर्क है। मैच 1 दोपहर के 2:30 से स्टार्ट होगा और दोस्तों जो मैच 2 रहेगा वो शाम के 4:30 से स्टार्ट होगा। इस वीडियो में मैं आपको दोनों मैच के रिगार्डिंग अपना फाइनल टीम शेयर भी किया हूँ, और साथ ही साथ यदि आप खुद से टीम बनाना चाहते हैं इस मैच में तो उसके लिए भी दोस्तों दोनों टीमों के सभी प्लेयर का मैंने स्टैट्स भी वीडियो में शेयर किया है, जो आपको खुद से बेस्ट टीम बनाने में हेल्प करेगा। प्लेयर का रिकॉर्ड को ध्यान में रख के आप खुद से भी टीम बना सकते हैं, क्योंकि ट्रॉम कार्ड प्लेयर ना दोस्तों इस मैच में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को पहले समझिएगा, ठीक ना। इन्वेस्टमेंट पहले नहीं कीजिएगा, कॉन्टेस्ट पहले नहीं ज्वाइन कीजिएगा, समझिएगा वीडियो को, फिर देखिएगा कि यार चलो इस मैच में ज्यादा ट्रॉम कार्ड प्लेयर खेल रहे हैं तो फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम ट्रॉम कार्ड प्लेयर खेलेंगे जिनका सिलेक्शन कम है बट अच्छे प्लेयर है तो फिर दोस्तों एवरेज इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक ना। ये छोटा सा टेक्निक है बट काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए, ठीक ना। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैंने वीडियो में आपके साथ टीम शेयर किया है कोई प्लेयर यदि उसमें से नहीं खेलता है या कोई चेंजेस करना होगा तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग आरबी और दोस्तों एसओएस के मैच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस मैच का कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एस नाजीर, जो आपको कंफर्म दोस्तों ओपन बैटिंग करने आएंगे। लास्ट मैच में भाई ने पार्ट टाइम बॉलिंग भी किया था एक ओवर का और बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। दो मैच ही इस टूर्नामेंट में खेले और भाई साहब दोनों मैच में भाई ने 50+ स्कोर किया है, तो लेके चलेंगे दोस्तों। कैप्टन बीसी भी आप कर सकते हैं। फिर नीचे आपको ए लतीफ़ का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों लास्ट ईयर 2023 में 15 टी10 मैच खेले थे जहां पे बैटिंग से 212 रन स्कोर किए थे। फिर नीचे आपको ए बकार सिद्दीकी का ऑप्शन मिलेगा, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 90 है बट परफॉर्मेंस दोस्तों इनका लास्ट ईयर ना एवरेज था। 16 मैच इन्होंने खेले थे 2023 में जहां पे बैटिंग से 78 रन और दोस्तों बॉलिंग से आपको 2 विकेट प्रोवाइड किए थे 5 ओवर बॉलिंग करके। अब देखो लोगों ने इनको लिया क्यों है मैं वो बताता हूँ, लोग कंफ्यूज है। जी हाँ दोस्तों लोग कंफ्यूज है, क्योंकि सेम इसी नाम से ना दोस्तों एक प्लेयर खेल रहा था लास्ट वाला सीरीज में साइप्रस टी10 में, उनका भी नाम सेम ही था ए बकार सिद्दीकी, जो बेहतरीन बैट्समैन था। लेकिन मैं बता दूं मेरे भाई लोग, ये प्लेयर अलग है वो प्लेयर अलग है, ठीक ना। आप इस प्लेयर का रिकॉर्ड देखो, 16 मैच में 78 रन स्कोर किए हैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों आपको इनको टीम में रखना है, आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि रिकॉर्ड उतना खास नहीं बोलता। फिर नीचे आइएगा दोस्तों आर सजाद का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों लास्ट ईयर टी10 में 18 मैच खेले जहां पे बैटिंग से 113 रन स्कोर किए। तो ओवरऑल दोस्तों इस मैच में जो मेरे को बेस्ट पिक दिख रहा है वो दोस्तों एक तो एस नाजीर दिख रहा है, सेकेंड यदि आपको ट्राई करना हो तो देख लेना ये दोनों में से जो भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आए ना आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि एक प्लेयर जरूर आपको नीचे खेलेगा। अब आ जाइए इधर बैटिंग सेक्शन, तो बैटिंग सेक्शन में दोस्तों आपको एस काजीर का ऑप्शन मिलेगा। स्टार्टिंग के दोनों मैच में भाई फ्लॉप रहे, फ्लॉप नहीं बोले तो टोटली फ्लॉप रहे हैं। एक तो दोस्तों फर्स्ट मैच में इनका बैटिंग ऑर्डर 4 नंबर पे कर दिया गया था और सेकेंड मैच में 3 नंबर पे किया गया, दोनों मैच में स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन देखो दोस्तों खिलाड़ी अच्छा है, ठीक ना, लास्ट ईयर इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उम्मीद करते हैं इस मैच में इनका थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर ऊपर किया जाएगा। तो इस प्लेयर पे थोड़ा ध्यान रखना, टोटली इग्नोर करके नहीं जाइएगा, सिलेक्शन भी हाई है, मैं अभी इनको टीम में भी ले रहा हूँ। नीचे आपको एस बचाक नहीं रखना है, जेट सजाद नहीं रखना है, ये सब प्लेयर आपको सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग से ही पॉइंट देंगे, बैटिंग करने आएंगे नहीं। बी इस्लाम दोस्तों लास्ट ईयर खेले थे, लास्ट ईयर इन्होंने 20 मैच खेले थे जहाँ पे बैटिंग से 160 रन स्कोर किए थे और बॉलिंग से आपको 6 विकेट प्रोवाइड किए थे 9 ओवर बॉलिंग करके। बॉलिंग दोस्तों ये सभी मैच में नहीं करते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग दोस्तों एक ओवर का आपको करते हुए दिख सकते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं करेंगे, ओके ना।
नीचे और भी ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों एसओएच के प्लेयर का, तो के एफ पॉल का नीचे ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा जो लास्ट ईयर 12 मैच खेले थे जहां पे बैटिंग से 54 रन स्कोर किए थे, बॉलिंग से 8 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट प्रोवाइड किए थे। फिर नीचे आपको एम जिया का ऑप्शन मिल जाएगा जो दोस्तों लास्ट ईयर 19 मैच खेले थे T10 में जहां पे बैटिंग से 42 रन स्कोर किए थे। नीचे आपको क्यू सजात का ऑप्शन मिलेगा जो लास्ट ईयर 13 मैच खेले थे जहां पे बैटिंग से 75 रन स्कोर किए थे। फिर नीचे आपको दोस्तों एच अबीद का ऑप्शन मिलेगा, एच अबीद 3 मैच खेले जहां पे दोस्तों बैटिंग कभी किए नहीं है, 1 ओवर का बॉलिंग किए थे, विकेट नहीं मिला है। नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एम वासिम का ऑप्शन मिलेगा, इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 10 मैच खेले T10 में जहां पे बैटिंग से सिर्फ 9 रन स्कोर किए, आप इनको भी ड्रॉप कर सकते हो। ए जावेद एक ट्राइबल पिक बन सकते हैं यदि खेलते हैं तो, क्योंकि इनका ठीक ठाक रिकॉर्ड है 29 मैच खेले T10 में जहां पे बैटिंग से 327 रन स्कोर किए हैं, तो इस प्लेयर पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। नीचे आपको जी मुस्तफा का ऑप्शन मिलेगा जिनका दोस्तों T10 कभी खेले नहीं है, T20 में 2 मैच खेल के आ रहे हैं जहां पे बैटिंग से 32 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको एच इसक का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों लास्ट ईयर 10 मैच खेले थे जहां पे बैटिंग से 7 रन स्कोर किए थे, इनका भी कुछ खास स्टैट्स नहीं है दोस्तों। आई अहमद दोस्तों ध्यान रखना है, ये ना आपको बॉलिंग करता हुआ दिख सकता है, 11 मैच इसने लास्ट ईयर खेले थे जहां पे बैटिंग से इन्होंने 23 रन का स्कोर किया था और 11 मैच में दोस्तों आपको 15 ओवर बॉलिंग करके 7 विकेट प्रोवाइड किए थे। रेगुलर बॉलिंग नहीं करते हैं लेकिन हाँ पार्ट टाइम जरूर दोस्तों ये बॉलिंग करते हैं, चाहो तो आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में इस मैच में जो मेरे को बेस्ट पिक दिख रहा है, एक तो एस काजीर को आप ट्राई कर सकते हो, बी इस्लाम को आप ट्राई कर सकते हो, एक जो मैंने नीचे आपको नाम बताया था ए जावेद, ये 3 प्लेयर दोस्तों बैटिंग सेक्शन से बेस्ट है, अदर उतने खास रिकॉर्ड है नहीं, ठीक ना, तो ज़्यादा आपको बैटिंग सेक्शन में मेहनत नहीं करना है। और लाउंडर सेक्शन में आइएगा टीम अजीर, लास्ट मैच में भाई ने बेहतरीन बैटिंग किया, 40 प्लस स्कोर भी किए और 1 ओवर का बॉलिंग भी किए और एक बहुत अच्छे दोस्तों ध्यान रखना फील्डर भी है, क्योंकि मैंने इनका लास्ट ईयर भी देखा था जब ये टूर्नामेंट खेले थे, मिनिमम दोस्तों 2 कैच तो ये सभी मैच में जरूर लेते हैं, 2 नहीं तो 1 तो जरूर आता है, तो कैच से भी दोस्तों आपको 8 फैंटेसी पॉइंट वहां से भी दे देते हैं। लास्ट मैच में 40 प्लस स्कोर किए, बैटिंग से बहुत शानदार बैटिंग किए और पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, तो रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट बन रहा है। ए अली मस्ट पिक है, 2 ओवर का आपको कंफर्म बॉलिंग करके देंगे, बैटिंग का चांस आया बैटिंग भी कर लेते हैं, इनके बिना आप मत जाइएगा। नीचे एस अली ओपन बैटिंग करने आएंगे, कंफर्म रखिए, बैटिंग से अभी तक कुछ खास किए नहीं है बट 2 ओवर का सभी मैच में बॉलिंग किए और दोनों ही मैचों में दोस्तों भाई ने एक एक विकेट लिया है। और देखो लेफ्ट आर्म बॉलर है, ऐसे भी दोस्तों लेफ्ट आर्म को मैं कभी भी नहीं बोलूंगा टीम से आउट करने के लिए, लेके चलिए एस आसमी, ये भी आपको 2 ओवर कंफर्म करके देंगे, स्ट्रॉन्ग टीम के प्लेयर है, लेके चलना है, ड्रॉप नहीं करना दोस्तों। ए सुल्तान खान आपको हार्ड हिटिंग बैटिंग प्रोवाइड करते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, 5 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, ठीक ना, तो स्मॉल लीग में मत लेना, जीएल में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ओके ना। स्मॉल लीग में क्यों नहीं लेना, क्योंकि 5 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं जो बहुत नीचे होता है। स्मॉल लीग में ए बर्ट को हम लोग रखेंगे और कैप्टन बीसी भी आप ट्राई कर सकते हो, ये बंदा एसओएच का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है, लास्ट ईयर इसने सिर्फ 19 मैच में 800-233 रन स्कोर किए थे, समझ रहे हो दोस्तों, 19 मैच में 833 रन, गजब, और बॉलिंग से आपको 12 विकेट प्रोवाइड किए थे, लेके चलिए दोस्तों। जी हुसैन यदि खेले तो आंख बंद करके रख लेना दोस्तों, ना खेले तो फिर ड्रॉप करके चलना, बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है, स्टार्टिंग के दोनों मैच खेले नहीं है इसलिए इनका थोड़ा सिलेक्शन भी कम गया और मैं अभी नहीं ले रहा हूं, बट आपको ध्यान रखना है इस प्लेयर पे, ओके ना। नीचे आइएगा, एस राजा खेलेंगे भी और हाई चांस है आपके टीम में होने भी चाहिए, लास्ट ईयर 16 मैच खेले थे इसी टूर्नामेंट में जहां पे बैटिंग से 127 रन और 16 मैच में बॉलिंग से आपको 10 विकेट प्रोवाइड किए। एस राजा के साथ एक प्लस पॉइंट आपको क्या दिखेगा ना कि ये सभी मैच में 2 ओवर का बॉलिंग जरूर करेंगे। नीचे आपको एन काजिर यदि खेले तो इनको भी दोस्तों टीम में जरूर लेना, स्टार्टिंग के 2 मैच नहीं खेले इसलिए लोग इनको अभी टोटली इग्नोर कर रहे हैं बट इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, यदि खेलता है तो कैप्टन बीसी आप कर सकते हो। मैं अपडेट कर दूंगा दोस्तों एन काजीर और नीचे से जी ऊपर से जी हुसैन, यदि ये दोनों में से कोई खेलता है तो मैं टेलीग्राम पर खुद आपको अपडेट कर दूंगा।
नीचे आपको एम वासीर का ऑप्शन मिलेगा, एक से दो ओवर आपको बॉलिंग करता हुआ दिख सकता है। लास्ट ईयर 9 मैच इसने खेला था, जहां पे बैटिंग से 52 रन और 9 मैच में 11 ओवर बॉलिंग करके 5 विकेट प्रोवाइड किए थे। मल्ली दोस्तों एक हार्ड हिटर बैट्समैन है जो 3 से 4 नंबर पे बैटिंग करेगा और आपको 2 ओवर का बॉलिंग करके देगा। स्टार्टिंग के दोस्तों 2 मैच खेले नहीं है आरबी के लिए, इस वजह से मैं अभी इनको नहीं ले रहा हूँ, बट ध्यान रखना यह भी बंदा दोस्तों जब आगे आपको टूर्नामेंट में खेलता हुआ दिखेगा किसी भी मैच में ध्यान रखना लेके जाना, ठीक ना। क्योंकि मान के चलो दोस्तों कोई मैच ये खेलता है और मैं आपको टीम ना दे उस मैच का, लेकिन आपको ये तो याद रहेगा ना कि मैंने बताया था कि ये जब भी खेले लेके चलना है दोस्तों, ड्रॉप नहीं करना है, ओके ना। नीचे और भी ऑप्शन देख ले तो एस शहबाज, ऐसे कुछ खास स्टैट्स तो इनका है नहीं। T20 का दोस्तों स्टैट्स इनका है 6 मैच का, जहाँ पे बैटिंग से 82 रन और बॉलिंग से 3 विकेट प्रोवाइड किए हैं। T10 दोस्तों ये कभी खेले नहीं है, ओके ना। नीचे आइएगा दोस्तों आपको WBB का ऑप्शन मिलेगा, इनका भी दोस्तों T10 का स्टैट्स नहीं है क्योंकि ये T10 कभी खेले नहीं है। T20 में दोस्तों 12 मैच खेल के आ रहे हैं, जहां पे बैटिंग से 111 रन स्कोर किए हैं। नीचे आपको ए अली का ऑप्शन मिलेगा जो 7 मैच खेले थे लास्ट ईयर, जहां पे दोस्तों बैटिंग से तो कुछ खास नहीं रहा था, सिर्फ 16 रन ही स्कोर किए थे। बॉलिंग से 7 मैच में 6 विकेट प्रोवाइड किए थे 11 ओवर बॉलिंग करके। आवाज है ये दोस्तों इधर बॉलिंग सेक्शन, एम मली मस्ट पिक, इबाबुल हक मस्ट पिक, ये दोनों प्लेयर को ड्रॉप मत करना, दोनों आपको 2-2 ओवर का कंफर्म बॉलिंग करके देंगे और दोनों ही ना एक विकेट टेकर बॉलर है, इसलिए आपको ड्रॉप नहीं करना है। अब देखो नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन एफ सरफराज, इनको भी नहीं करना है ड्रॉप क्योंकि SOH के सबसे बेस्ट कोई बॉलर बनेगा इस मैच में तो ये यही है दोस्तों। इनका रिकॉर्ड भी काफी शानदार है, 15 मैच खेले थे लास्ट ईयर दोस्तों T10 में और आपको 23 विकेट प्रोवाइड करके गए थे, तो इसलिए मैंने बोला दोस्तों इनके बिना नहीं जाना है। आप चाहो तो नीचे से एम हेबलन को भी ट्राई कर सकते हो, लास्ट ईयर 18 मैच खेले थे, जहां पे बॉलिंग से 11 विकेट लिए थे 23 ओवर बॉलिंग करके। मैं बताता हूं दोस्तों, देखो ये एक ऐसा बॉलर है ना कि आपको एक मैच में 3 विकेट प्रोवाइड करेगा, ठीक ना, और नेक्स्ट मैच में आपको माइनस में पॉइंट देगा। सेम ऐसा ही ये कंसिस्टेंट, आप इनसे कभी भी उम्मीद मत रखना कि आपको एक एक विकेट प्रोवाइड करे सभी मैच में, लेंगे तो एकदम दोस्तों गुच्छे में विकेट लेंगे, 3-4 विकेट एक ही मैच में, अदरवाइज शांत रहेंगे। तो ऐसे प्लेयर को आप क्या करना, GL में जरूर रोटेट करना, टोटली इग्नोर करके मत जाना, कभी भी आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, ओके ना। नीचे आपको एस अली हुसैन, स्टार्टिंग के 2 मैच दोस्तों खेले नहीं है आरबी के लिए, खेलेंगे तो मेनली दोस्तों इनका काम रहता है फिनिशर का और आपको 1 ओवर का पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, उतने खास नहीं रहेंगे इस बॉलिंग में, खेले तब भी आप GL में ही लेके जाना। इससे दोस्तों SOH के 2 प्लेयर और मिलेंगे जिनका स्टैट्स है मेरे पास दोस्तों। यू राजा का एक ऑप्शन मिलेगा जो लास्ट ईयर 5 मैच खेला था, 8 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट इसने लिया था, और एक आपको नीचे मिलेंगे एम अली मीर का, इन्होंने दोस्तों T10 में टोटल 26 मैच खेले हैं, बैटिंग से 314 रन, बॉलिंग से भाई ने 17 विकेट लिए। अब देखो दोस्तों ये प्लेयर यदि खेलता है ना तो मजा आएगा, क्यों, मैंने इनका अभी स्टैट्स बताया ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है और यार बैटिंग से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 26 मैच में 314 रन खराब नहीं होता है, और इनका सिलेक्शन लेवल भी ध्यान रखना ज्यादा नहीं जाएगा। तो बस उम्मीद करते हैं कि ये बंदा खेल जाए तो फिर मजा आएगा, ना खेले तो कोई नहीं, जो मैंने ऊपर में ऑप्शन दिया है उसी को ट्राई कर लेना, ठीक ना। इनको अभी मैंने टीम में नहीं रखा है जिससे इनका सिलेक्शन थोड़ा कम ही रहे, यदि खेलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, और यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा। बात कर लेते हैं कैप्टन BC ऑप्शन, तो देखो कैप्टन BC ऑप्शन के लिए मैं A-BUT कैप्टन BC जा रहा हूँ एस अली के साथ। आप चेंज करना चाहो दोस्तों अदर ऑप्शन में आप ट्राई कर सकते हो, इधर से ए अली को भी आप एज अ BC ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग में दोस्तों आप एम अली पे रिक्स ले सकते हो क्योंकि सामने जो टीम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टीम नहीं है, उनके पास एक ही बेस्ट बैट्समैन है तो विकेट तो गिरेगा ही, ठीक ना, तो आप अदर प्लेयर पे भी रिक्स ले सकते हो। अभी के लिए आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, और प्लेइंग 11 को ध्यान में रखते हुए कोई चेंज करना होगा तो मैं फाइनल टीम फिर से टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तब तक आप लोग इसी टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक इसका आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, चाहिए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों।
तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।